एक रात टुनटुनी का पति टुन्नू उसे झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल देता है। कमबख्त कलमुही, निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चों को भी लेकर जा। दिन रात कोहराम मचा रखा है मेरे घर में, मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है। एजी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी? अरे कलमुही, तू कहीं भी जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चल भाग यहाँ से। ठीक है, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। बच्चों चलो, कहीं ना कहीं तो आसरा मिल ही जाएगा। माँ, मेरे से उड़ा नहीं जा रहा है। माँ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लें क्या? नहीं नहीं बेटा, जब तक कहीं रहने की जगह नहीं मिल जाती तब तक मैं कैसे रुक जाऊँ? नहीं बेटा, चल थोड़ा और सब्र कर ले। चल बेटा चल, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। माँ, वो देखो, एक घर नजर आ रहा है। हाँ रानी बेटा, मुझे भी घर दिखाई दिया। चल तो देखिए क्या है। अरे लाडू बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी उड़, तू क्या कर रही है? अरे माँ, ये तो कोई टॉयलेट लग रहा है। अरे तो क्या हुआ, इस काली रात में हम लोगों के लिए इतनी जगह काफी है। चलो बच्चों, दोनों बैठकर आराम करो। टुनटुनी बच्चों के साथ बैठकर टॉयलेट में ही आराम करने लगती है। अगली सुबह, माँ माँ, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, खाने का भी तो इंतजाम करना जरूरी है, कब तक यूँ भूखे बैठे रहोगे तुम लोग? ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं लाडो का ध्यान रख लूँगी। इस अनजान जंगल में मैं कहाँ जाऊँ काम ढूँढने? मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ ना कुछ काम ढूँढना होगा। टुनटुनी काम की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन टुनटुनी को कहीं भी काम नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे उड़ती है तो उसे एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक हवेली दिखाई देती है। वो एक कौवे से पूछती है, अरे कालू भैया, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। अरे भैया ऐसा मत कहो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल रात से ही भूखे हैं भैया, मुझे उन्हें खाना खिलाना है। अरे कालू कौन है, किससे बातें कर रहा है तू? अरे मालकिन, एक गरीब चिड़िया आई है, काम मांग रही है। ठीक है, तो उसे मेरे पास भेज दे। मालकिन, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूँगी। मालकिन ना मत कहिएगा, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल से ही भूखे हैं मालकिन। अच्छा अच्छा, ठीक है, तू जा खाना बनाने का काम देख ले, और हाँ, जाते समय अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेती जाना। ठीक है मालकिन, भगवान आपका भला करे। टुनटुनी उस हवेली में खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं और एक दिन, अरे टुनटुनी, तू रहती कहाँ है? तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं या नहीं? अरे मालकिन, मेरे घर के बारे में मत पूछिए, वो बहुत दूर है। अरे टुनटुनी, बताना कहाँ है तेरा घर, मैं सच में तेरे घर को देखना चाहती हूँ टुनटुनी। अरे मालकिन, वो मेरे पति ने मार पीट कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मालकिन, अब हम सभी टॉयलेट में रहते हैं। क्या बोला तूने, टॉयलेट? छी छी छी, टॉयलेट भी कोई रहने की जगह है? तू एक काम कर, अपने बच्चों को अपने साथ ले दिया, यहीं रह ले तू भी। नहीं नहीं मालकिन, आप इस मुसीबत को अपने सर क्यों ले रही हैं? क्या पता मेरा पति कब आ जाए और यहाँ भी झगड़ा करने लगे। मालकिन, तब मैं कहाँ जाऊँगी? अरे टुनटुनी, तू कैसी बातें बोल रही है, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू ये कौन सा भविष्य दे रही है उन्हें टुनटुनी? तो और मैं क्या कर सकती हूँ मालकिन, मैं गरीब और असहाय हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? देख टुनटुनी, गरीब होना पाप नहीं है, और हाँ, तू असहाय नहीं है। मैं हूँ ना, कल ही तू उस टॉयलेट को छोड़ देगी और अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने आ जाएगी। और हाँ, मैं उन बच्चों का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करा दूंगी, उनका भविष्य मुझे ही देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन आपका, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं अभी जाती हूँ और अभी अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। टुनटुनी फुर से उड़कर अपने बच्चों के पास जाती है और बोलती है, ये लो बेटा, तुम सभी
जल्दी से खाना खा लो। अब हम इस टॉयलेट में नहीं रहेंगे, अब हम बहुत बड़ी कोठी में रहेंगे बेटा। भगवान ने हमारी सुन ली, अब तुम लोग स्कूल में पढ़ोगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनोगे। ये क्या बोल रही हो माँ? माँ अब मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगी। रानी बेटा तू भी पढ़ने जाएगी, चलो चलो जल्दी खाना खाओ, बातें मत बनाओ। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी सुन ली, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। टुनटुनी ये ले स्टाफ रूम की चाबी, तू अब से वहीं रहेगी। टुनटुनी चाबी ले लेती है और अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लग जाती है। एक घने जंगल में बबली नाम की अमीर कबूतरी रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम बंटी था। बबली के घर एक काम वाली बाई थी, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। एक दिन टूनी अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटी तुम यहीं घर पर खेलना, मैं बबली मैम साहब के घर काम करके आती हूँ। ठीक है माँ तुम जाओ। जब टूनी बबली के घर पहुँचती है, टूनी ये लो पैसे और बाजार जाकर कुछ फ्रूट लेकर आओ। ठीक है मालकिन मैं अभी लेकर आती हूँ। टूनी बाजार से फ्रूट खरीद कर लाती है। तब बबली कहती है, अरे टूनी तुमने फ्रूट यहाँ क्यों रख दिए, जाओ जाकर इन्हें टोकरी में रख दो। ठीक है मालकिन अभी रख देती हूँ। थोड़ी देर बाद, मालकिन मैंने घर का सारा काम कर दिया है, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? मेरी बेटी घर पर भूखी है, मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं टूनी तुझे अभी नहीं जाना, तू देख नहीं रही है मेरे बेटे को भी भूख लग रही है, चल पहले टोकरी से फल निकाल कर काट दे। ठीक है मालकिन मैं अभी काट कर देती हूँ। टूनी फल काट कर बबली को देती है। टूनी अब तो घर जा सकती है। टूनी के घर पहुँचने पर, माँ मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। बस बस बेटा मैं अभी तुझे कुछ खाने को देती हूँ। टूनी खाना बनाने लगती है। बेटा तू बैठ, बस दो मिनट लगेंगे, देख मैं तेरे लिए रोटी दाल बना रही हूँ। हाँ माँ जल्दी से बनाओ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। टूनी टुनटुनी को खाना लाकर देती है। अगले दिन जब टूनी अपनी मालकिन के घर जाती है, टूनी कल जो तू सेब लाई थी वो सारे सड़े हुए थे, मैं सेब के पैसे तेरी पगार से काट लूंगी। लेकिन मालकिन मैं तो सब अच्छे लाई थी। तो ये क्या है, तू इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी को खिला देना। मालकिन एक तो मेरी पगार कम है और ऊपर से आप काट रही हैं। मुझ गरीब के साथ ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए। एक तो इतनी कम पगार में हम लोगों को बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी मिलती है और ऊपर से आप पैसे काट लेंगी तो हम पूरे महीने कैसे खाएंगे। टूनी पैसे कमाने पड़ते हैं, पेड़ पर नहीं लगते हैं, इन्हें कमाने के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। तभी बबली का बेटा बंटी वहाँ आता है। माँ आज मैं पिज्जा खाऊंगा, मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो। ठीक है बेटा मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। मालकिन बच्चों को घर का बना खाना खिलाया करें, भारी खाना बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। देख टूनी तू मेरे यहाँ काम करती है तो काम से मतलब रखा कर और मुझे ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने बेटे की हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुम गरीब लोग हमें देख कर जलते हो, इसलिए कहते हो ये अच्छा है ये बुरा है। मालकिन मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं भी एक माँ हूँ, जानती हूँ बच्चों के लिए खाना कौन सा अच्छा है, मैं तो बस आपको बता रही थी, आगे आपकी मर्जी। तभी डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आ जाता है। मैम ये रहा आपका पार्सल। जैसे ही बंटी पिज्जा खाता है उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। अरे ये मेरे बेटे को क्या हो गया, ये इतनी उल्टियाँ क्यों कर रहा है। मालकिन आप घबराइए मत, मैं अभी नींबू पानी लेकर आती हूँ, बंटी बेटा अभी ठीक हो जाएगा और आगे से बंटी बेटे को बाहर का खाना मत दीजिएगा। तो ठीक कहती है टूनी, मैं कान पकड़ती हूँ, आगे से इसे बाजार का कुछ भी नहीं खाने दूंगी, हमेशा इसे घर का बना खाना दूंगी। ये सुनकर टूनी खुश हो जाती है और अपने काम पर लग जाती है। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ने लगता है। टूनी की बेटी टुनटुनी बड़ी हो जाती है। एक दिन वो पानी पीने के लिए नदी किनारे जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जंगल के सबसे अमीर पक्षी कड़कनाथ सेठ के बेटे से होती है। वाओ कितनी प्यारी चिड़िया है, काश मेरी शादी इससे हो जाए। कालू टुनटुनी के पास जाता है और उससे बात करता है। हेलो मेरा नाम कालू है और मैं वो कड़कनाथ ज्वेलर्स का नाम सुना है ना, वही तो जंगल के सबसे बड़े हीरा व्यापारी है ना, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। ओके तो बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो, अगर तुम्हारी शादी किसी से तय ना हुई हो
और तुम किसी को पसंद ना करती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। टुनटुनी को कालू का बेबाक अंदाज पसंद आ जाता है। तुम भी बहुत हैंडसम हो और ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह दोनों की मुलाकातें दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं। और एक दिन, देखो कालू, मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ और मेरी माँ एक नौकरानी है। टुनटुनी की बातें सुनकर एक मिनट तो कालू चुप हो जाता है। सुनो, मैं कल मम्मी पापा को लेकर आऊँगा, तुम तैयार रहना। अगले दिन कालू अपने पिता और माँ को लेकर टुनटुनी के गरीब खाने पहुँचता है और साथ में बहुत सारे फल और मिठाइयाँ भी लेकर जाता है। कहाँ है तुम्हारी टुनटुनी बेटी? कालू बेटे से बड़ी तारीफ सुनी है। टूनी टुनटुनी को आवाज देती है। टुनटुनी की मासूमियत देखकर कालू के पिता और माँ, हमें लड़की पसंद आई, जो लड़की इतनी ईमानदार हो वो कितनी अच्छी होगी, ये रिश्ता पक्का समझो। और ये लो नए घोंसले की चाबी, अब आप लोग वहीं रहेंगे। और फिर टूनी और टुनटुनी खुशी खुशी अपनी बाकी जिंदगी गुजारते हैं।